हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे आप कैसे ऑनलाइन में बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र से गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाके हमको लिखना पड़ेगा मनी कंट्रोल, तो हम लिख देंगे मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल लिख के एंटर मारने से पहला वाला जो लिंक आ जाएगा मनी कंट्रोल वेबसाइट का, वही लिंक पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। इधर सबसे पहले जो लिंक दिख रहा है www.moneycontrol.com, वही लिंक पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। उसमें क्लिक कर देंगे तो मनी कंट्रोल का ऑफिशियल वेबसाइट इधर ओपन हो जाएगा। तो देखिए इधर मनी कंट्रोल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया, तो इधर हमको ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। तो उधर मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड, वही म्यूचुअल फंड ऑप्शन पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो म्यूचुअल फंड का पेज इधर ओपन हो जाएगा। देखिए ये रहा मनी कंट्रोल का म्यूचुअल फंड का पेज। तो इधर हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो इधर सबसे पहले हमको मिल जाएगा फंड्स रिव्यू बाय एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट जो फंड रिव्यू किया है वो हमको इधर से मिल जाएगा। कोई भी एक फंड के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो इधर मेरे को बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो इधर देखिए सबसे पहले आ जाता है रीड डिटेल व्यू, उसके नीचे आ जाता है गो टू फंड डिटेल्स। तो ये दोनों क्लिक करके हम फंड के बारे में जान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो इधर हमको मिल जाएगा टॉप परफॉर्मिंग फंड्स। जो फंड टॉप परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो हमको इधर से मिल जाएगा। इधर देखिए कैटेगरी वाइज हमको मिल जाता है टॉप परफॉर्मिंग फंड। तो सबसे पहले देखिए इक्विटी है, उसके बाद बहुत सारे कैटेगरी है। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी में सबसे पहले जो इक्विटी का सब कैटेगरी रहता है लार्ज कैप फंड, उसमें जो फंड टॉप कैटेगरी में है टॉप परफॉर्मेंस कर रहा है वही हमको इधर से मिल जाएगा। देखिए लार्ज कैप फंड का जो जो फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसका क्रिसिल रैंक मिलता है, AUM मिलता है, 1 मंथ का रिटर्न कितना है वो मिल जाता है, 6 मंथ का रिटर्न क्या है वो मिल जाता है, 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न, 5 ईयर का रिटर्न हमको इधर से मिल जाता है। तो ऐसे हम फंड देख सकते हैं, उसका रिटर्न देख के हम फंड चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इक्विटी का दूसरा जो कैटेगरी रहता है मल्टी कैप फंड, उसमें भी टॉप जो फंड रहता है वो हमको इधर से मिल जाता है। ऐसा करके हम पूरा सभी जो कैटेगरी रहता है सभी कैटेगरी का टॉप जो फंड रहता है वही टॉप फंड का हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं इधर से। तो ऐसा करके हम जितने सारे कैटेगरी है सभी कैटेगरी का फंड का जो क्रिसिल रैंक रहता है AUM में रहता है और जो रिटर्न रहता है वो हम इधर से देख लेंगे। देखने के बाद हम चूज़ कर सकते हैं कौन सा फंड हमारे लिए बेस्ट है। तो हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो इधर हमको टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज मिल जाएगा। इधर दो ऑप्शन रहता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में कौन सा कैटेगरीज कितना रिटर्न देता है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स में वो हमको इधर से मिल जाता है। तो और शॉर्ट टर्म में भी जितने सारे कैटेगरीज है उसका जो 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का जो रिटर्न रहता है वो हमको इधर से मिल जाता है। देखिए इधर 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का रिटर्न हमको मिल जाता है। तो ये सब देख के कौन सा कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना है वो हम चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा राइट साइड में आ जाएंगे तो इधर हमको दिख रहा है इंडेक्स परफॉर्मेंस, जितने सारे इंडेक्स है उसका लॉन्ग टर्म में कितना परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है वो हमको इधर से मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स में कितना रिटर्न है वो हम इधर से देख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में भी हम देख सकते हैं इंडेक्स में कितना रिटर्न रहता है। तो इधर शॉर्ट टर्म में चले जाएंगे तो इधर हमको 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का रिटर्न हमको इधर से मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीका से अपने लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है वो हम चूज़ कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।